आप लोग के मन में सवाल जरूर होगा कि भाई गैजेट राजपत्र एक्चुअल में होता क्या है। तो यही हम इस वीडियो में आज जानने वाले हैं, क्या है राजपत्र, इसे कैसे ऑनलाइन बनाते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है गैजेट? तो देखिए, गैजेट एक सिंपल से भाषा में कहूँ तो गवर्नमेंट का एक न्यूज़पेपर होता है, जिसके माध्यम से हम नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना धर्म, इन तीनों में अगर कुछ गलती है तो हम उसे सुधार सकते हैं। जैसे कि मेरे पास, मेरा नाम है राज और मुझे करना है राजकुमार, तो अब मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेरा नाम राज से राजकुमार हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में मुझे क्या डॉक्यूमेंट बनवाना होगा? तो मुझे बनवाना होगा गैजेट, राजपत्र। देखिए, मैंने आपको स्क्रीन के सामने गैजेट रख भी दिया है। इस गैजेट का एक फोटो ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इंसान का नाम है, यहाँ पे लिखा है ओल्ड नेम। ओल्ड नेम इनका, जो भी ओल्ड नेम है यहाँ पे लिखा गया है, राइट साइड में लिखा गया है न्यू नेम, और गवर्नमेंट ने उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है। इसके आधार पे वो अपना नाम आगे जाके आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, पासपोर्ट में चेंज करवा सकते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट में आपको मैं कहूँ तो गैजेट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके माध्यम से आप कुछ भी अपडेट कर सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो चलिए अभी आप समझ में आया हमारे को गैजेट क्यों बनाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो तो गैजेट की मदद से हम अपने आधार हो, पैन हो, पासपोर्ट हो, उसके अंदर हम अपना नाम चेंज करवा सकते हैं या हम साबित करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मेरे पास कुछ जमीन है जिसके अंदर मेरा नाम ABCD है और मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम XYZ है। तो अभी मैं कैसे साबित करूं कि वो ABC और XYZ ये दोनों एक ही व्यक्ति है? तो उसके लिए हमें बनवाना होता है गैजेट। फॉर एग्जाम्पल, मेरे स्कूल की मार्कशीट हो गई या मेरा कुछ भी हो गया जिसके अंदर कुछ भी मिस्टेक हो गया मेरे नाम में, तो अब मैं कैसे साबित करूं वो मार्कशीट मेरी है? तो ऐसे कंडीशन हमको गैजेट बनवाना होता है। और एक कंडीशन आती है शादी की, जब भी हम कोई वुमेन्स रहती है वो शादी करती है तो उसका हस्बैंड का नाम उसके अंदर ऐड हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में उसको भी गैजेट बनवाना पड़ता है ताकि ये साबित हो सके कि उसका पुराना नाम ये था और अभी न्यू नेम ये है। तो ठीक है, समझ में आ गया हमको गैजेट क्यों बनवाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने गैजेट एकदम सिंपली कर दिया है। पहले गैजेट बनवाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ता, आज गैजेट ऑनलाइन हो गया है तो बहुत सिंपल तरीके से हम गैजेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गैजेट पब्लिश करने में महाराष्ट्र में दो मेथड है, एक आप मराठी लैंग्वेज में गैजेट पब्लिश कर सकते हैं और एक इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश कर सकते हैं। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो वैसे आपको पब्लिश करना चाहिए। जैसे कि हमारा 7/12 हो गया, हमारा लैंड रिकॉर्ड हो गया, वो मराठी में होता है, तो ऐसे कंडीशन हमको मराठी गैजेट बनाना चाहिए। लेकिन जैसे कि शादी का मैटर है या कोई आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या कुछ ऐसी चीज़ों में हमको कुछ चेंज करना है, तो ऐसे कंडीशन हमको इंग्लिश गैजेट बनाना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं गैजेट बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर हमारे को फर्स्ट नेम चेंज करना है, ओनली फर्स्ट नेम, तो आधार कार्ड, फोटो और फॉर्म। अब ये जो फॉर्म है ये मैं आपको इसके अंदर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिए और मैं बता भी दूंगा इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं आगे जाके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे को फर्स्ट नेम चेंज करना है तो सिर्फ आधार कार्ड इनफ है। अब आधार कार्ड अपना ओल्ड नेम से हो, न्यू नेम से हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमारे को अगर लास्ट नेम में कुछ चेंजेस करने हैं तो भी सिर्फ आधार कार्ड और फोटो इनफ है। पर अगर हमें मिडल नेम चेंज करना है हमारा, तो उसके लिए आधार कार्ड, फोटो, फॉर्म तो है पर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि शादी हुआ है तो मैरिज सर्टिफिकेट दीजिए, और मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है और कोई और कारण है तो सिंपली आपको एफिडेविट देना है। ये एफिडेविट का फॉर्मेट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और एफिडेविट आप कहीं से भी करवा सकते हो। सिंपली टाइपिंग कीजिए, प्रिंट कीजिए, फोटो लगा दीजिए, आप कोई भी नजदीकी तहसील ऑफिस या आपका नोटरी पब्लिक, यहाँ से आप ये एफिडेविट करवा सकते हैं। अभी इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि अगर एप्लीकेंट 18 साल के अंदर का है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। तो बस इतने डॉक्यूमेंट है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन होता है गैजेट के लिए, कोई डॉक्यूमेंट स्पेशल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये गैजेट ही एक डॉक्यूमेंट है, गैजेट एक पब्लिश है जिसके थ्रू हम आगे जाके हमारा न्यू नेम ऐड कर सकते। अब गैजेट के लिए फीस क्या होती है? सबसे पहले अगर हम ओपन कैटेगरी में है तो
तो हमको 522 रुपीज ऑनलाइन पे करना होता है, पर अगर हम बैकवर्ड कैटेगरी में है तो सिर्फ 272 रुपीज पे करना है। बैकवर्ड कैटेगरी में एससी एसटी एनटी एससी ओबीसी ये कास्ट आते हैं, पर अगर इस कास्ट में आप हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा, जिससे कि आपकी जो गैजेट की एप्लीकेशन फी है वो कम हो जाएगी। तो बस सिंपल प्रोसेस है, अब देखते हैं हम इसे ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आ जाना है aplesarkar.mahaonline.gov.in इस वेबसाइट पर। उसके बाद आपको न्यू यूजर इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपका यूजर आईडी बना लेना है, जो कि बहुत सिंपल है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका यूजर आईडी और जो पासवर्ड आपने इस लिंक से जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है। उसके बाद जो कैप्चा यहाँ पे दिख रहा है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और लॉगिन इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपको आ जाना है लेफ्ट साइड के ऑप्शन में, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज एनर्जी एंड लेबर डिपार्टमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद सब डिपार्टमेंट में आपको डायरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको गैजेट पार्ट टू फॉर चेंज इन नेम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको वापस से गैजेट एडवर्टाइजमेंट चेंज ऑफ नेम इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका गैजेट इंग्लिश में अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे इंग्लिश आप सिलेक्ट करेंगे, मराठी में चाहिए होगा तो आप यहाँ पे मराठी सिलेक्ट करेंगे। हमारे को इंग्लिश में चाहिए तो हम यहाँ पे फिलहाल इंग्लिश इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन है इस बारे में आप थोड़ा सा रीड कर लीजिए। उसके बाद आपको एक फॉर्म मैंने आपको कहा था, जैसे कि हमें यहाँ इस ऑप्शन पे क्लिक करके डाउनलोड फॉर्म इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फॉर्म जैसे ही हमारा डाउनलोड हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हमें को दिखाई देता है। उसके बाद यहाँ पे हमको ओल्ड नेम फर्स्ट नेम फादर नेम मिडल नेम मतलब और लास्ट नेम फिल करना है और यहाँ पे हमको न्यू नेम हमारा फिल कर लेना है। उसके बाद हमारे को यहाँ पे ओल्ड नेम से सिग्नेचर करना है, यहाँ पे न्यू नेम से सिग्नेचर करना है, हमारा नेम लिखना है और डेट लिखना है, या इसकी आप प्रिंट निकाल लीजिए और हाथ से आपको ये फिलअप करना है। उसके बाद रीज़न फॉर चेंज ऑफ नेम आप कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, जैसे कि आपका मैरिज हो गया, आप पर्सनल रीज़न से चेंज कर रहे हैं, या कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, या तो आप लिख सकते हैं बोथ पर्सन हैव सेम नेम्स वगैरह आप रीज़न दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे आपका न्यू नेम आपको लिखना है पूरी तरह से, आपका एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है और मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे वापस फॉर्म की तरफ, हमारे को यहाँ पे आई एक्सेप्ट इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट इस बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ओके इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा एप्लीकेंट डिटेल, यहाँ से आप ओपन कैटेगरी बैकवर्ड कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी या माइनर कैटेगरी जो भी एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। हम फिलहाल ओपन कैटेगरी का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ओपन करके सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको एप्लीकेंट पर्सनल डिटेल इस ऑप्शन में आपको आपका सैल्यूटेशन सिलेक्ट कर लेना है, मिस्टर मिसेस जो भी आपका रहेगा वो। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे मेल फीमेल सिलेक्ट कर लेना है, आपका पूरा एड्रेस विथ पिन कोड यही बॉक्स में आपको लिखना है, आपका ईमेल आईडी डालना है, आपका आधार नंबर डालना है, आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, तालुका सिलेक्ट करना है, विलेज सिलेक्ट करना है और आपका पिन कोड, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम नेम करके एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम जो आपका ओल्ड नेम है वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस ऑप्शन में टू नेम मतलब आपको जो न्यू नेम चाहिए वो यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है, उसका रीजन भी यहाँ पे टाइप कर लेना है जो हमने फॉर्म में फिल किया है। उसके बाद आई एक्सेप्ट इस ऑप्शन पे क्लिक करके प्रोसीड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपका फोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जिसकी साइज 160 पिक्सल और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए, जो कि आप पेन टूल के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि बाकी वीडियो में मैंने आपको बताया है ये रिसाइज कैसे करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि हमारे को जो भी डॉक्यूमेंट करना है वो मैक्सिमम पीडीएफ में ही हो।
क्योंकि पीडीएफ जब हम स्कैन करते हैं तो हमारे को 500 KB तक साइज मिल जाती है। आपको फोटो प्रूफ में से यहाँ से कुछ भी एक सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एड्रेस प्रूफ में भी हमको आधार कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर माइनर है तो ही बर्थ सर्टिफिकेट, अदरवाइज ये ऑप्शन में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। लीगल डॉक्यूमेंट, अगर हमारा मिडल नेम चेंज होता है तो इसमें से जो भी लीगल डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है वो आप टिक करेंगे। उसके बाद जो आपको डाउनलोड अपने फॉर्म फिल किया है उसको यहाँ पे अटैच करना है, तो ये कंपलसरी हो गया। उसके बाद ब्राउज करके आप सबको अटैच करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 523 रुपीज़ का ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आ रहा है, जो कि प्रोसीड टू पेमेंट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, कहीं से भी आप ये पेमेंट कर सकते हैं। हम नेट बैंकिंग सिलेक्ट करके हम यहाँ से पेमेंट कर लेते हैं। पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक रिसीप्ट, जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपके सामने आपकी रिसीप्ट जनरेट हो जाएगी। इसको सिंपली आप प्रिंट करके लीजिए या तो आप मोबाइल में इसका संभाल के रखिए। अब आपको क्या करना है, ये एप्लीकेशन 3 दिन में अप्रूव हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड कैसे करते हैं ये देखते हैं। उसके लिए सिंपली हमको वापस से गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है DGPS। सर्च कर लिए, जो पहली वेबसाइट आई है DGPS.maharashtra.gov.in, इस लिंक पे हमको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा ऑप्शन राजपत्र, यहाँ पे सिंपली हमको माउस को लेके जाना है कर्सर, सिंपली नीचे आना है राजपत्र स्थिति, इस ऑप्शन पे लेके जाना है माउस को। उसके बाद वहां पर आपके दो ऑप्शन खुल जाएंगे। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन चेंज इन नेम, इस ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दिखाएगा सिलेक्ट सर्विसेज, तो हमारे को क्या करना है, चेंज इन नेम ये सर्विस यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जो एप्लीकेशन आईडी आपके रिसिप्ट में है इस एप्लीकेशन आईडी को आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च करके एक ऑप्शन शो होगा, फिर आपको सर्च इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको दिखाई देगा कि योर एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड बाय DGPS, इसका मतलब है आपका गैजेट अब अप्रूव हो चुका है। तो आप डाउनलोड कैसे करोगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू गैजेट। कभी कभार आपका एप्लीकेशन 3 दिन में अप्रूव हो जाता है लेकिन व्यू गैजेट ये ऑप्शन हाइड होता है, तो उसके लिए कम से कम कभी कभी 7-8 दिन भी जा सकते हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली हमको व्यू गैजेट इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही व्यू गैजेट पे हम क्लिक करेंगे हमारे पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब इसमें बहुत सारे नाम है तो हम सर्च कैसे करें, तो सिंपली हमको वापस से हमारे वेबसाइट पे आना है। सिंपली आपको गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक रजिस्टर नंबर दिया है, इस रजिस्टर नंबर को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जो PDF फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है, यहाँ पे हमारी PDF फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो सिंपली हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये जो PDF फाइल है ये हमारे एडोब रीडर में ओपन कर दिया। अब सिंपली हमको कंट्रोल दबा के एफ दबाना है, कंट्रोल प्लस एफ, जिससे कि फाइंड टूल ओपन हो जाएगा। आप हमारे को जो रजिस्टर नंबर हमने जो कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेना है और सिंपली हमको एंटर कर लेना है। जैसे आप एंटर करोगे फाइल में ये नंबर का सर्चिंग चालू हो जाएगी। फिर आपको दिख रहा है, देखो इस पेज में 257 नंबर पेज में हमारा नाम है, तो आपको सिंपली ये 257 नंबर का पेज प्रिंट आउट करना है और फर्स्ट पेज प्रिंट आउट करना है। जो प्रिंट आउट करोगे वो आगे पीछे होना चाहिए, मतलब फर्स्ट नंबर का पेज एक साइड में और जिस पेज में आपका नाम है वो आपके बैक साइड में। फिर आप उसे हाइलाइटर से ऐसे हाइट कर लीजिए, आपके नेम को हाइलाइटर से हाइट कीजिए और आप इसका यूज हर जगह कर सकते हैं। थैंक यू।